नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरोस के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करने जा रहे हैं विंग्स फैंटम 345 का। अब इसकी अनबॉक्सिंग तो हम पहले कर चुके हैं, पर क्योंकि आपको सिर्फ अनबॉक्सिंग नहीं, आपको इसकी पूरी डिटेल वीडियो बना कर दिखानी थी, तो हमने पहले इसको एक दिन अच्छी तरह यूज़ करा। उसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है। उसके बाद पूरा डिसीजन आपका है कि आपको ये लेना है या नहीं। अगर आपको लेना है तो हम इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। पर उससे पहले आप इसकी पूरी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको फैसला करने में आसानी हो। तो ठीक है दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करते हैं। तो ये हमने इनकी वेबसाइट से ख़रीदा है और ये कुछ इस तरह के लुक में आता है। ये देखिए, अब पहली बार जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें ये लाइटें ऑन नहीं मिलेगी आपको। ये आपको शुरू में पूरा फुल चार्ज करना होगा। अब जो पहली बार इसको चार्ज करेंगे, अगर उनको दिक्कत आ रही है इसमें चार्ज करने में, तो उनके लिए बता दें कि इसको ओपन करने के बाद इधर ब्लू कलर की एक प्लास्टिक इसमें लगी होती है, तो पहले आप उसे हटा लीजिएगा, उसी के बाद ही ये चार्ज हो पाएंगे। क्योंकि वो प्लास्टिक देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो प्लास्टिक नहीं, इसका डिजाइन है, तो ऐसा धोखा हो सकता है कि वो इसका डिजाइन ही हो, पर वो इसको चार्जिंग से रोकने के लिए। तो पहले आप इसको निकाल लीजिए और फिर आप इसको पूरी तरह चार्ज कर लीजिए। और उसके बाद एक जो समस्या इसमें आ रही है, सभी को आ रही है, और ये मुझे भी दिक्कत आई, मैंने जब पहली बार इसको परचेस करा तो जो इसका पहला हमने एयरबड्स से ऑर्डर करा था, ये हमें रिप्लेस होकर दूसरा मिला है। तो उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि जब भी हम इसको पेयर करने की कोशिश करें तो सिर्फ एक में ही आवाज़ आ रही थी, मतलब राइट में आवाज़ आएगी तो लेफ़्ट में नहीं आती थी और लेफ़्ट में आएगी तो राइट में नहीं, पर दोनों को इकट्ठे आवाज़ इसमें नहीं आ रही थी। तो इसका एक सिंपल सी टेक्निक है कि आप इसको इस तरह से निकालें और इसे इसमें पांच बार इसमें टैप करके, जब दोनों में ये लाइट जल जाए तो उसके बाद आप इसमें रख दोगे। और आप अपने फ़ोन में से भी इसका जो भी पेयर आपने करा है उसको आप डिलीट कर दोगे, पूरा ब्लूटूथ फॉर्मेट मार दोगे, तो उसके बाद ये पेयर होने लगते हैं। पर अगर फिर भी इसमें दिक्कत आए तो आप इसके वारंटी क्लेम कर सकते हैं। हमें ये दिक्कत इसके रीसेट करने के बाद भी बार बार आ रही थी, तो इस वजह से हमने पहले वाले जो एयरबड्स थे वो हमने और रिटर्न कर दिए और उसके बाद हमें ये अब मिला है। तो इसमें और साथ में आता है जैसे और भी चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। तो इसके अंदर एक डाटा केबल है, तो ये इसमें डाटा केबल है और ये एक्स्ट्रा इसमें लगाने के दे रखे एयर टिप्स, और उसके साथ ही इसमें कुछ पेपर भी आते हैं। अब वो पेपर इसमें काम के है, आप उनको पहले देख लेने, आप ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही फेंक दें। तो एक इसमें ये विंग्स क्लब का है कुछ, दूसरा है वारंटी क्लेम करने के लिए ये कार्ड है, और ये तीसरा है इसमें ऐप का इसमें लिंक दे रखा है। इसमें एक खासियत और है दोस्तों कि इसमें आप इसकी जो ट्यून है उसको आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी ऐप के द्वारा, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे इसमें म्यूजिक की वॉल्यूम ट्यूनिंग वगैरह सेट हो गई है, तो आपको सिर्फ वैसे ही यूज़ करनी है, आप अपने अनुसार भी इसको सेट कर सकते हैं। और एक इसमें अच्छी बात और भी है कि जब भी ये पैर होते हैं तो पैर होने पे ये सिर्फ एक छोटे सी नोटिफिकेशन साउंड देते हैं, ना कि ऐसे कि ये वाले एयरबड्स पूरी तरह कनेक्ट हो गए, जो शुरू शुरू में तो नहीं पर एक लंबे समय के साथ बहुत बोरिंग से लगते हैं। मेरे पहले जो एयरबड्स थे उसमें मुझे बहुत ये बात बुरी लगती थी कि जब भी उसको पेयर करता था तो पूरी उसमें लाइन बोलता था और बार बार वो उसमें रिपीट रिकॉर्डिंग होती रहती थी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो ये चीज़ इसमें अच्छी है।
अब लुक वाइज देखा जाए तो ये लुक वाइज मुझे बहुत पसंद आया कि एक पारदर्शी सा है और एक कुछ लेटेस्ट सा डिजाइन लगता है और कलर भी इसका अच्छा है। पर इसमें एक दिक्कत ये है कि ये पारदर्शी तो है पर ये इतना मुझे मजबूत लगता नहीं है कि अगर ये गिर जाए तो हर बार ये बच ही जाएगा, क्योंकि इसके मुझे क्रैक होने के डाउट लगते हैं। वैसे प्लास्टिक इसकी अच्छी क्वालिटी की है, पर फिर भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ प्लास्टिक ऐसे जैसे कांच के जैसी है, तो ज़्यादा ज़ोर से अगर गिर जाए तो इसके टूटने के चांसेस है। अब इसमें कोई भी इसमें ढक्कन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप सीधे इसमें लो और ऐसे लगा सकते हो। इसमें मैग्नेट जो वो अच्छी इसमें पकड़ है, ऐसा नहीं कि आपसे कहीं गिर जाएगा, तो ऐसे मुझे तो लगता नहीं, इसमें अच्छी इसमें पकड़ है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ की इसमें चार्जिंग दिखा रहा है, क्योंकि इधर का जो एयरबड्स है वो पूरा चार्ज हो चुका है और इधर ये दूसरा ही अब चार्ज होना बाकी रह गया है। और जब आप पहली बार इसे यूज़ करोगे तो इसको आप ध्यान रखना कि पहले एक बार पूरा चार्ज कर ले। इसमें जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो इसमें ओके का निशान आ जाएगा और ये फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में बताया, तो आप इसको एक बार फॉर्मेट कर देंगे इसके ब्लूटूथ को, और करने के बाद अगर आपके डिवाइस में ये कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप एक चीज़ कर सकते हैं जो मैंने करी है, कि आप किसी और फ़ोन या कोई और डिवाइस है उससे एक बार कनेक्ट करके देखें। अगर उसमें हो रहा है और आपके फ़ोन में ही नहीं हो रहा है तो ये आप जान सकते हैं कि कुछ उसके ब्लूटूथ में सेटिंग में दिक्कत आ सकती है, तो फिर आपको वो ब्लूटूथ रीसेट करना होगा। अगर वो फिर भी दिक्कत होती है तो आपको फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही करना पड़ा, उसके बाद ही मैं इसको करेक्ट कर पाया। अब इसकी साउंड क्वालिटी की बात बताऊँ तो साउंड क्वालिटी इसकी जिस प्राइस में मुझे मिला इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी है। और दूसरा आप एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें, वो इसमें एक मेटल की सी इसमें जाली बना रखी है, जैसे ये आमतौर पर प्लास्टिक की सी होती है, तो उसमें जब भी हम साफ़ करते हैं तो उसमें निकलने का इसको डर रहता है, तो इसमें ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं है। और इसकी रबड़ भी बहुत अच्छी एक ग्रिप है, मतलब बहुत टाइट है, ऐसा नहीं कि रबड़ बार बार गिरती रहेगी, तो ये बहुत अच्छी इसमें टाइट हो रखी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर एक मिनट ज़रा इसमें फोकस कर दूँ मैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से मेटल की बनी हुई है। अब इससे अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल की जो क्वालिटी है वो इसमें ठीक है, दोनों तरफ इसमें माइक है एक दोनों ईयरबड्स में, तो बात हो जाती है, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत क्लियर दूसरे को साउंड जाती है, पर हाँ बात हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत मुझे फ़िलहाल तो लगी नहीं। और बाकी इसमें जो टच है वो किस तरह से काम करता है वो आप इसकी बुक में देख सकते हैं, इसमें आपको इधर पूरी जानकारी मिल जाएगी, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से कितने बार टच करने पे कौन सा ईयरबड्स क्या क्या काम करता है। और अगर आप उसकी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो इसकी ऐप से भी आप वो चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अगर वारंटी क्लेम करना है तो वो आप किस तरह से करोगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, हम अगली वीडियो उसी पे लेके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आज हमारे विंग्स एयरबड्स पे। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमें आशा है कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको ये लेना है या नहीं। तो अगर आपको ये लेना है तो हम इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं, वहाँ आपको इसका प्राइस पता चल जाएगा, क्योंकि इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी फ़िलहाल जो भी मैं प्राइस बताऊँगा तो उसमें हो सकता है कि आपको ना मिले, तो आप उधर से जाके चेक कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ, जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।